नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माय नेम इज सनी वर्मा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिक्स ओयर जो कि इंडियन आर्मी ने फास्ट ट्रैक मैनर के अंदर प्रोक्योर करी थी, उसके क्या फीचर्स हैं, उसकी दूसरी कंपटीशन में कौन कौन सी असॉल्ट राइफल्स हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आ जाइए सभी ऑनलाइन फटाफट, आज सुबह सुबह हमारी मुलाकात हो रही है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो जोश की कमी तो नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, वेट करूंगा सिर्फ 60 सेकंड्स का दूसरे एस्पिरेंट्स के लिए, ताकि वो भी आ जाएं और हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नोटिफिकेशन आ चुका है, तैयारी के अंदर अब कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा चांस जैसा नहीं होता है, ये बात आप सभी को मालूम है। जो करना है वो अभी करना है, इसी वक्त करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार आकर आपके डोर पर नॉक नहीं करने वाली है। अपॉर्चुनिटी आई है, दरवाज़ा खोलकर आपको उसे जोर के घुट के झप्पी देनी है, ताकि वो आपकी हो जाए हमेशा के लिए। लव यू टू। अब दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है, सबसे पहले तो आप घर बैठे लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं टॉप एजुकेटर्स की। आई एम गुड। NDA 2021 उसका पूरा सिलेबस ख़त्म करने के लिए अन अकेडमी पर अचीवर्स पैच जो कि 23 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका था, 23 मार्च तक चलेगा, अभी भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे लाइव क्लासेस आप घर बैठे अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। 60 मिनट्स ईच टॉप एजुकेटर्स अर्पित चौधरी सर मैथ्स के लिए, दिशा विशिष्ट मैम इंग्लिश के लिए, एंड दूसरे एजुकेटर्स भी आपको गाइड करेंगे पूरे एग्ज़ाम में सारा सिलेबस ख़त्म करने के लिए। इसके अंदर दोस्तों लाइव टेस्ट सीरीज़ भी है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, लाइव क्लासेस तो है ही, है ना। तो ये गाइस सब्सक्राइब करना बनता है, एजुकेटर्स की एक बार पिक भी देख लीजिए आप, राइट। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू दोस्तों। इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 3 मंथ्स दिसंबर टू मार्च 4000 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स। यहाँ पर भी आपको 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं आप, 10% डिस्काउंट अगर आप एंटर करेंगे रेफरल कोड टीम अर्पित, इसको एंटर करते ही आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और 4000 पे नहीं करने हैं यहाँ पर, फिर आपको पे करने 3600 फॉर द 3 मंथ्स और NDA का सारा सिलेबस ख़त्म, ठीक है जी। तो जिन्होंने अभी भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं किया है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, प्लीज़ इंस्टॉल कर लीजिए और स्टार्ट लर्निंग जेंटलमैन, बिकॉज योर टाइम इज राइट हेयर राइट नाउ। चलिए दोस्तों एक साथ एक बात और बता दूं इसी के साथ साथ आपको, डिफेंस पे गए, डिफेंस में NDA पे गए, यहां पर सर्च करना है आपने सनी वर्मा जी को, सर्च कर लिया यहां पर, ये सनी सर आ गए यहां पर, ठीक है। सनी सर को आपने फॉलो करना है, ठीक है, इट्स मी। सर को फॉलो कर लीजिए गाइज, यहां पर आप नोटिफिकेशन आ चुका है, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपकी क्या मदद करूंगा, ज्योग्राफी एंड द करंट अफेयर्स आप लाइव मेरे साथ टॉपिक वाइज चल सकते हैं, टॉपिक वाइज हम इन ज्योग्राफी को और करंट अफेयर्स को ख़त्म करेंगे। करंट अफेयर्स का गाइस क्वेश्चन एरिया काफ़ी बढ़ चुका है, 15 के आसपास, 13-15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे करंट अफेयर्स के, काफ़ी बड़ा नंबर है 13-15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि लास्ट के 1 मंथ में पढ़ के आप लोग कर लेंगे, नहीं। UPSC NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये होगा आप जब उसको आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं क्लासेस अपनी लेकर आऊँगा जनवरी के अंदर ही, बस एक दो दिन रह गए हैं, जितनी पार्टी वगैरह करनी है कर लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट, इसको इसकी नोटिफिकेशन आपको टीम अर्पित टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है जी। चलिए दोस्तों
हाँ जी, सिक्स ओवर। बस बिल्कुल, जनवरी आ गया है माय डियर फ्रेंड्स, जनवरी में हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी करंट अफेयर्स। टॉपिक वाइज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों कि आप 36 क्वेश्चन जीएटी 50 क्वेश्चन जो आपके पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी करंट अफेयर इकोनॉमिक्स का है उसमें से आप 36 क्वेश्चन करके आएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप करके आएंगे बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ मैं हूँ यहाँ पर, आप लोग हैं साथ में, हम करेंगे इसको। बस गाइज, आज का टॉपिक सिक्स ओवर। कंटेक्स्ट क्या है? जब लद्दाख की तरफ ईस्टर्न इंडिया चाइना और इंडिया का क्लैश बढ़ा तब फास्ट ट्रैक मैनर में इंडिया ने ऑर्डर करी थी असोल्ट राइफल्स। असोल्ट राइफल्स कौन सी? जय हिंद दोस्तों। सिक्स ओवर कितनी? 72,500 सिक्स ओवर राइफल्स जो कि फास्ट ट्रैक मैनर में प्रिक्योर करी थी इंडिया ने। उससे पहले इंडिया के पास जो असोल्ट राइफल्स थी इंसास, काफी प्रॉब्लम्स उसमें आ रही थी। ऑटोमेटिक मोड पे करो या थ्री राउंड पे करो तो ऑटोमेटिक पे चली जाती थी, ऑटोमेटिक पे करो तो कभी स्प्रिंग के अंदर उसकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कभी मैगजीन बस्ट हो जा रही थी, कभी जैमिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उससे तो और शॉक भी ज़्यादा लग रहा था फायर करने पर। तो ये सब कुछ तो अच्छे साइन नहीं है विनर के लिए। अगर आपने विनर बनना है तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आपके वेपन्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो सिक्स ओवर मैनर, सिक्स ओवर असॉल्ट राइफल्स, ये थी सेकंड बैच। फर्स्ट बैच जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए ऑलरेडी इंडिया ने प्रिक्योर कर लिया था, ये थे सेकंड। सेकंड बैच आपके सिक्स ओवर के, सिक्स ओवर की अगर मैं बात करूं जेंटलमैन, है तो ये जर्मन कंपनी सिक्स ओवर असोल्ट राइफल्स, है तो ये जर्मन कंपनी बट इंडिपेंडेंट यूनिट इसकी अमेरिका में भी है, तो वहां से 72,500 सिक्स ओवर। पहले मैं आपको सिक्स ओवर एक बार दिखा देता हूं। हाँ जी जेंटलमैन, दिस इज सिक्स ओवर 716 असोल्ट राइफल। YouTube पर भी होगा, अन अकेडमी पर भी होगा, ठीक है। YouTube पर भी हम लोग विगरस तरीके से पढ़ाएंगे, अन अकेडमी पर भी मैं करंट अफेयर्स कवर करूंगा, ठीक है। तो वी विल डू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलिए सिक्स ओवर गाइज, अभी सिक्स ओवर एक बेटर चॉइस क्यों है ये एक बार जान लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसास के अंदर ढेर सारी प्रॉब्लम आ रही थी, एक बार मैं आपने सिक्स ओवर देख ली, एक बार इंसास भी आपको दिखा देता हूँ। इंसास ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ये एडजस्टेबल है, मैगजीन भी बस्ट नहीं होती और ये जैमिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होती। ये इंसास है जेंटलमैन, इंसास के अंदर जैमिंग की मैगजीन बस्ट की प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। ये क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर अच्छे से नहीं चल पा रही थी। तो सिक्स ओवर एक बेटर चॉइस कैसे है गाइस? 7.62 इंटू 51 mm राउंड की जो कि दुश्मन को 6000 मीटर्स की दूरी से मार सकती है ना। ये सिमिलर, ये है सिक्स ओवर 716, ये सिमिलर मैगजीन है जो कि M4A1 असोल्ट राइफल है जो इंडियन पैरा कमांडोज के पास होती है। तो इंडियन आर्मी के पास सिक्स ओवर 716, जब इस सिक्स ओवर 716 को ऑर्डर किया गया, प्रिक्योर करने में टाइम तो लगेगा, आज की है कल तो नहीं आनी थी, तो तब तक इंडियन आर्मी ने LMGs जो कि इजरायली, उससे काम चलाया, ठीक है जी। दूसरी कौन कौन सी प्रिक्योरमेंट्स हैं जो इंडियन आर्मी ने करी है इसके साथ साथ,
गाइस देखिए, अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन एक इशू तो है इंडिया के साथ, ठीक है। अब रशिया जो है, रशिया के साथ शिफ्ट हो गए हैं हमारे रिलेशनशिप के अंदर, कुछ तो शिफ्ट दिख रहा है रशिया के साथ। और रशियन अब हर चीज़ में अड़ रहा है, काफ़ी बड़ी और काफ़ी भारी उनके वेपन्स होते हैं, चाहे आर्टिलरी हो, चाहे उनके एरोनॉटिक्स के अंदर हो, चाहे उनके स्नाइपर्स हो, चाहे उनके असॉल्ट राइफल्स हो, काफ़ी बड़े और काफ़ी भारी होते हैं। तो बहुत जल्दी उनको डिस्पैच करना पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरी बात, AK-203 के ऊपर भी रशिया प्राइस के ऊपर अड़ गया, तो वो भी जो जॉइंट वेंचर के अंदर हम बना रहे थे AK-203, वो भी गया है ना, वो डील भी नहीं होने वाली है अब। उसके साथ साथ इसराइल इज डूइंग ग्रेट। इसराइल जो कि टेबोर और गलील, उसके असॉल्ट राइफल्स हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट और शॉक भी कम देती है। अगर शॉक कम आएगा तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी है उन असॉल्ट राइफल्स की। तो अमेरिका के साथ साथ इजरायली मेड LMGs जो कि नगेव है, और इसके साथ साथ IWI टेबोर एंड द गलील, ये भी इजराइल से प्रिक्योर करी। ठीक है जी, अगर मैं बुलेट की बात करूं 6 ओवर के अंदर, तो 6.5 mm क्रीडमूर, दिस वन क्रीडमूर, द नेम इज क्रीडमूर, इंडिया के पास अब असोल्ट राइफल्स के ऊपर जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स को मीट करती है वो है IMI टेबोर TAR-21 एंड IMI गलील, IMI एंड IWI सेम। ये जितनी भी राइफल्स होती हैं ये डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल्स होती है, इनको DMR भी बोला जाता है, DMR। इसके अंदर क्रीडमूर ही यूज होते हैं जो ऊपर मैंने आपको बुलेट्स दिखाई थी। पंडित भारद्वाज आप चलाएंगे, आपको करंट लगने वाला है, ठीक है। हाँ, सिक्स ओवर 716 पेट्रोल Z2 चैम्बर्ड विद दी 7.62 नेटो राउंड आर इशूड फॉर द फ्रंट लाइन इंडियन आर्मी को, जो DMR राइफल से प्रोवाइड कर दी गई है, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चाइना इज डूइंग गुड अपने एंड पे। चाइना, चाहे वो आप एविएशंस की बात हो, आर्टिलरी की बात हो, दूसरे वेपन्स की बात हो, तो चाइना इज डूइंग गुड अपने एंड से, और वो पाकिस्तानी को भी सप्लाई कर रहे हैं, और रशिया कहीं ना कहीं प्राइस पे हमसे अड़ जाता है आजकल, तो हमें तो चाहिए भैया चीज़ें, है ना। तो उसके लिए एक चैलेंज पहले तो ये कि इंसास में जो कमियां थी उसको कैसे दूर करनी है, उसको दूर करने के लिए हमें दोस्तों की मदद लेनी होगी, दोस्तों की मदद के लिए हमें उनके वेपन्स को पहले प्रिक्योर करना होगा, फिर हम JV में जाएंगे और फिर हम उसको इंडिजीनियस मैनर में डेवलप करेंगे। तो फिलहाल इसराइल से एंड अमेरिका से, अमेरिका को मैंने दोस्त बोला है, क्यों टेम्परेरली तो है अपना दोस्त इंसास के अंदर जो कि OFB ने बनाया था, तिरुचिरापल्ली और कानपुर और ईशापुर आर्सेनल में जो इनके प्लांट्स हैं वहाँ से, तो इंसास काफ़ी दिनों से चला रहे थे और 203 ने रिप्लेस करना था इंसास को, लेकिन प्राइस के ऊपर बार बार रशिया अड़ रहा है, मैं यही बता रहा हूँ आपको, तो वो तो डील नहीं होने वाली है ना। और कुछ इश्यूज जो थे आपके इंसास में, यही कि कारगिल वॉर के दौरान
हाई एल्टीट्यूड पे भैया एक तो जाम हो जाती थी, मैगजीन बस्ट हो जाती थी, थ्री राउंड पे करो तो ऑटोमेटिक पे चली जाती थी, ऑटोमेटिक पे करो तो थ्री राउंड पे चली जाती थी। तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन काफ़ी दिनों तक संभाला है इंसास ने भी सिचुएशन को, काफ़ी सालों तक संभाला है, ऐसी बात नहीं है। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं दो तीन बातें आपको बता दूं। एक तो यूट्यूब पर क्लासेस, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी ज्योग्राफी अच्छे से नहीं समझी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, उनके लिए मैं दोबारा से एक बार स्टार्ट करेंगे हम लोग यूट्यूब पर। देखिए दोस्तों, बार बार रिवीजन करने से होगा, नोटिफिकेशन आ चुका है, अब आप लोगों को सीरियस होना बनता है आप लोगों को अब, ठीक है। तो YouTube पर हम लोग करेंगे इसकी रिवीजन, मेरे साथ आप लोग अनअकैडमी पर करेंगे, अनअकैडमी पर पढ़ेंगे तो उसकी रिवीजन यहाँ YouTube पर करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग जेंटलमैन एटलीस्ट 500 MCQs करने वाले हैं। ये MCQs आपको मदद करने वाले हैं, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में इंडिविजुअली करें हम, या फिर इंडियन ज्योग्राफी में भी इंडिविजुअली करें, तो 1000 MCQs के आसपास हम लोग करने वाले हैं। इसके लिए आपको मैं मदद करूंगा बार बार क्लासेस, आपको बस क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। और यही हम लोग करंट अफेयर्स के लिए भी रखेंगे, करंट अफेयर्स के लिए भी हर मंथ के इंडिविजुअली ज्योग्राफी, प्लेसेस इन न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, ऑब्यूचरी, अवार्ड्स, स्कीम्स, समिट्स एंड द कॉन्फ्रेंसेस, सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। अगस्त 2020 से क्या हुआ और फरवरी तक हम लोग इसको एंड टू एंड करने वाले हैं, फरवरी 2021 तक। मैंने आपको पहले ही वादा किया है, दोबारा वादा कर देता हूं कि हम लोग दोस्तों, मैं आपको इतने क्वेश्चन सही करवा के रहूंगा, बस जो 50 क्वेश्चन का एरिया है ज्योग्राफी आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, उसमें से आउट ऑफ 50, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल माय डियर फ्रेंड। अनअकैडमी पर मेरा कोर्स एकदम फ्री रहेगा, फ्री क्लासेस हैं, आप लोग उस बात से निश्चिंत रहें। मैंने हिंदी ठीक बोली है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, मतलब आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। फ्री रहेगा कोर्स, फ्री क्लासेस अनअकैडमी पर, आप लोग ने बस अटेंड करना है यार, ठीक है। बस मुझे दो तीन दिन का समय दीजिए, पार्टी वगैरह कर लीजिए, न्यू ईयर वगैरह बना लीजिए, अच्छे से खा पी लीजिए, सारी तैयारी कर लीजिए, दो तीन नोटबुक्स खरीद लीजिए, पेन खरीद लीजिए और साथ लेके बैठिएगा जब भी मैं अपनी क्लासेस अटेंड, आप मेरी क्लासेस अटेंड जब भी करेंगे, ठीक है जी। चलिए चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इंसास से आगे हम रशिया की भी बात कर लेते हैं। रशिया की हम टैवोर की बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट, अगर हम मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से चलें तो कैरी करना आसान होना चाहिए गन्स को, और वो शॉक भी ना दे, उसके अंदर एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो और वो बस्ट भी ना हो। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन के अंदर अगर आप इसको देख रहे हैं, दिस इज IWI या IMI, जो भी आप इसको कह सकते हैं, टैवोर TAR-21 रशियन मेड, इजराइल मेड। और दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो एक चीज आपने नोट करी होगी कि इसके ट्रिगर के पीछे इसका रिसीवर है ना, इससे एक्यूरेसी भी ज्यादा आती है और टाइम भी कम लगता है लोड होने में, है ना, सो रिलोड होने में, ट्रिगर के पीछे इसका रिसीवर। अगर आप देखेंगे इसको, आपका सिक्स वायर को, तो इसका रिसीवर ट्रिगर पीछे है, रिसीवर आगे है, ठीक है। लेकिन इज़राइल इज डूइंग समथिंग एल्स, उसका ट्रिगर आगे है, रिसीवर उसका पीछे है,
हाँ हाँ वो तो है, इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो न्यू ईयर दिवाली पे होता है, वो तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन हम लोग दुनिया के साथ चल रहे हैं, है ना, हमारे सभी काम जॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसलिए हम पीछे नहीं रह सकते ना। हम हर काम करने में सक्षम है हम लोग यार, ऐसे कैसे यार। ठीक है जी, तो इसको गाइस बोलते हैं बुल पप एक्शन। ठीक है, बुल पप एक्शन, ट्रिगर आगे रहेगा और रिसीवर पीछे, उससे लोड होने में टाइम नहीं लगता है, इसको बुल पप बोलते हैं। ठीक है, बुल पप असोल्ट राइफल्स में और आपके डीएमआरस में, सब मशीन गन में यूज होता है इसराइल से। इसी के साथ साथ आईएमआई गलील, ये भी इसराइल मेड असोल्ट राइफल्स है। ये आपके AK-47 AK-203 के स्टैंडर्ड की है गलील, इजरायली वेपन इंडस्ट्रीज IWI। ये इजरायली मेड, ये भी इंडियन आर्मी के पास है, 6R भी है और आपके टेवोर TAR-21 इजरायली मेड, वो भी इंडियन आर्मी के पास है। अब इस सब के साथ क्या होगा, फिलहाल हमने ऑर्डर करी है, हमारे पास आ चुकी है, यूज़ में है, धीरे 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 जॉइंट वेंचर्स बनना स्टार्ट होंगे और इंडिजीनियसली तब बनेगी चीज़ें जब हमारे दोनों के साथ स्ट्रेटजिक अलायंस काफ़ी मजबूत होंगे। इसराइल के साथ ऑलरेडी है, अमेरिका के साथ भी ऑलरेडी हैं, तो बस हमें वेट करना है जॉइंट वेंचर में बने इसराइल के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, सो डैट इंडिया के पास कम पैसे में ज़्यादा प्रिक्योर कर सके हम ये वेपन्स। और गाइज अपना इंडिया को जाग जाना चाहिए नींद से, अपनी बिल्कुल नींद से जाग जाना चाहिए। जितने भी ये ब्यूरोक्रेसी के चलते काम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं, लिंगर ऑन हो जाती है चीज़ें, उसको नहीं करना है, है ना। अब इंडिया को जाग जाना चाहिए, इसको फास्ट ट्रैक मैनर पर प्रिक्योर तो कर लिया, फास्ट ट्रैक मैनर पर इसकी अब प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देनी चाहिए इंडिया के अंदर ही, और रेगुलेशंस उसके इंडियन कंपनी के हाथ में हो, बिल्कुल लेजिस्लेचर के चलते या किसी दूसरे ब्यूरोक्रेसी के चलते इन सब चीज़ों को अब नहीं लटकाना चाहिए, फास्ट ट्रैक मैनर पर कर देना चाहिए। इंडिया को अब जागना चाहिए, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन बट आल्सो इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और बस करना चाहिए इंडिया को बहुत अच्छे से। अजीब दिख रही है? नहीं, अजीब नहीं है, शॉक प्रूफ है ये, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ शो ये फायर कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, रशियन AK-47 जो कि रशियन 47 के बेस पर वेलमेट RK-62 सर्बियन बनी थी, और साइबेरियन बनी थी, और उसके बाद फिर इसराइल ने ये बनाई है गलील इसी के ऊपर। मेरी दूसरी क्लास भी है, उसके अंदर ट्रेनिंग स्कूल इंडिया में कौन कौन से हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है जी, तो दोस्तों नाम आपको याद करने हैं, दो तीन नाम आप लोगों ने याद करने हैं। एक तो 6R वैसे तो है आपकी जर्मन कंपनी, लेकिन अमेरिका के अंदर भी इंडिजिनियसली ऑपरेट करती है ये। ठीक है, तो अमेरिका से लिए हैं 72,500 6R असॉल्ट राइफल्स, कौन सी 716। ठीक है, 716, उससे पहले रशिया से बात चल रही थी AK-203 की, लेकिन प्राइस के ऊपर डील नहीं हो पाई, हम कह रहे थे सस्ता वो कह रहे थे महंगा, तो डील नहीं हो पाई है। ठीक है, उसके बाद फिर फिलहाल हमने 6R ही ऑर्डर करी है, दिस इज 6R अमेरिकन, जो कि एक DMR वर्जन की है जिसके अंदर क्रीड मूर मैगजीन्स